वाइल्ड फायर। हाँ तो गाइस पुष्पा द रूल थिएटर के अंदर वाइल्ड फायर लेवल पे रोर करते हुए नजर आ रहे हैं और जो रश देखने को मिल रहा है, ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है, मतलब कि डे वन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि कितना क्या डे वन का आने वाला है। और वहीं जिस तरह से माहौल देखने को मिल रहा है, चाहे वो थिएटर की बात हो, चाहे वो एडवांस बुकिंग की बात हो, चाहे वो रिकॉर्ड्स की बात हो, और हर कहीं रूल पुष्पा का देखने को मिल रहा है। तो डे वन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करने वाले वर्ल्ड वाइड लेवल पे भारत में। लेकिन उससे भी पहले आप लोग वीडियो को देख रहे हो तो पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इसी बैक टू बैक अपडेट लाते रहते किसके लिए, आप ही के लिए। तो चलिए जान लेते हैं भाइयों, मूवी की टीम ने अभी एक पोस्टर शेयर किया है जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। ये क्लाइमेक्स वाला है, मतलब कि क्लाइमेक्स वाले सीन का ये पिक्चर है, यानी कि पोस्टर में कन्वर्ट करके आइकन स्टार अल्लू अर्जुन सर के फैंस के साथ शेयर किया है। तो गाइस पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं, भारत यानी कि नॉर्थ हिंदी बेल्ट में किस तरह की क्या ओपनिंग लेने वाले हैं। तो भाइयों मतलब कि यहाँ पर जो हाईएस्ट ग्रोसर मानी जाती है जवान, भाई जवान। तो पुष्पराज भाई सब उस जवान को ऐसा खींच के उसकी टी शर्ट ऊंची कर इस तरह से मारने वाले हैं। मतलब कि जो कितना है यार, 65 करोड़ का नॉर्थ में हिंदी बेल्ट में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उगाया था ना, तो इजीली बीट करने वाले पुष्पराज, क्योंकि थिएटर में मतलब कि मॉर्निंग के शोज में इतना हाइप देखने को मिला है, इतना क्राउड देखने को मिला है, तो आफ्टरनून इवनिंग नाइट के शोज किस तरह से रूल करने वाले हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पहले ऑक्यूपेंसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह का ऑक्यूपेंसी देखने को मिला। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लूं क्योंकि समय लगता है। तो गाइज पहले अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तेलुगु वर्जन की ऑक्यूपेंसी के बारे में, तो तेलुगु निकल जाएंगे है। मॉर्निंग शोज में 78% की ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है, आफ्टरनून में 77% की, इवनिंग शोज में 85% की, नाइट शोज का अभी नहीं आया है। वहीं और स्क्रॉल कर लेते हैं, हिंदी 2D की बात कर लेते हैं। मॉर्निंग 41% की ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून में 51% की ऑक्यूपेंसी, इवनिंग शोज में 62% की ऑक्यूपेंसी, नाइट का भी आया नहीं है। और कौन सा है, तमिल 2D का देख लेते हैं, 33% का ऑक्यूपेंसी, रश अवॉइड कीजिएगा। आफ्टरनून में 47% का ऑक्यूपेंसी, इवनिंग शोज में 56% का ऑक्यूपेंसी। और कौन सा लैंग्वेज है, हाँ तेलुगु आईमैक्स 2D 61% का ऑक्यूपेंसी, 45% का आफ्टरनून में, वो मॉर्निंग में था, इवनिंग शोज में 81% का ऑक्यूपेंसी, नाइट का मतलब कि 95 के नियरेस्ट आने वाला, क्योंकि नाइट का भी आया नहीं है। और देख लेते हैं हिंदी आईमैक्स 2D का देख लेते हैं, 52% का ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून शोज का 54% का ऑक्यूपेंसी, इवनिंग शोज का 65% का ऑक्यूपेंसी। अब मूव करते हैं कहाँ की तरफ, कन्नडा 2D की तरफ, 30% का ऑक्यूपेंसी है मॉर्निंग का, कन्नडा 2D का, आफ्टरनून शोज का है 55% का, इवनिंग शोज का 62% का ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रहा है कन्नडा 2D का। वहीं अगर अपन देखें मलयालम 2D का, मॉर्निंग शोज का है 53% का, आफ्टरनून का 47% का ऑक्यूपेंसी, इवनिंग शोज का 61% का ऑक्यूपेंसी देखने को मिला। और कौन सा वर्जन बचा हुआ है, तेलुगु 4DX वर्जन है, उसके बाद हिंदी 4DX वर्जन है। तेलुगु 4DX वर्जन के मॉर्निंग शोज का ऑक्यूपेंसी 28% का, आफ्टरनून का है 57% का, इवनिंग शोज का 54% का, नाइट का भी नहीं आया है। हिंदी का लास्ट बचा है तो वो भी देख लेते हैं, 62% का ऑक्यूपेंसी है मॉर्निंग शोज का, आफ्टरनून में 81% का ऑक्यूपेंसी, इवनिंग शोज में 90% का ऑक्यूपेंसी देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं नाइट का तो अभी नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी चाहे वो मॉर्निंग से स्टार्ट की, आफ्टरनून में इंक्रीज हुई है, इवनिंग में इंक्रीज हुई है, तो नाइट में कहाँ इंक्रीज होने वाली है वो तो आप लोग जानते ही होंगे। तो गाइज मैं आपको पहले बताता चलूँ, अभी तक जो इसका नेट कलेक्शन देखने को मिल रहा है वो 132 करोड़ का देखने को मिल रहा है ऑल लैंग्वेज का। और ये जो नेट कलेक्शन देखने को मिल रहा है ये भारत का नेट कलेक्शन देखने को मिला है, यानी कि 132 करोड़ का। नाइट शोज इसमें काउंट नहीं हुए क्योंकि ऑक्यूपेंसी शो नहीं हो रहा, मतलब कि यहाँ पर अभी एग्जैक्ट डिजिट नहीं चढ़े। मैं आप लोगों को बताऊं ना, ये तो भारत का है। नाइट शोज जब चढ़ेंगे उसका जब जो फिगर चढ़ेगा मतलब कि 200 क्रॉस होने वाला है और ओवरसीज का इंक्लूड होगा, ऐड होगा, तो फिगर कहां जाने वाला है, डे वन का ओपनिंग कहां जाने वाला है, जिससे देखने के बाद मतलब कि हर कोई शॉक्ड होने वाला है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि हिंदी बेल्ट में भाई साहब इस तरह से खींच के, इस तरह से घसीट के पुष्पा भले मार्केट में लाने वाले और भरे मार्केट में इस तरह से मतलब करने वाले हैं, किसी ने सोचा नहीं होगा। तो भाई साहब मैं तो आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं 275 करोड़ का इसका मिनिमम आना है। बाकी जो बड़ा चढ़ा के जो आएगा 300 करोड़ का आना, मतलब कि दो डिजिट आप लोग याद रखो। 275 करोड़ प्लस का इसका डे वन का ओपनिंग आने वाला है या फिर 300 करोड़ का नियरेस्ट आने वाला है। मतलब कि चारों ओर तबाही देखने को मिली है क्योंकि रोल पुष्पा का है, तो होगा, क्यों नहीं होगा यार, क्योंकि इतना बड़ा मास्टरपीस कंटेंट डायरेक्टर सुकुमार सर ने इंडियन सिनेमा के साथ बिल्कुल इस तरह से रखा है। वैसे आप लोग बताओ क्या लगता है डे वन के ओपनिंग के बारे में, कितनी क्या ओपनिंग ले सकते हैं पुष्पाराज, और क्या लगता है हिंदी जवान के रिकॉर्ड के बारे में, पुष्पाराज खदेड़ के मारने वाले हैं या फिर खुद ही खदेड़ने वाले हैं? अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।